हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र की टीम ने सुनारिया चौक बाबैन से 30 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह आईपीएस के नेतृत्व में एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्यवाही करते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 30 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह ने रविवार शाम को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूनिट की एक टीम निरीक्षक सुखपाल सिंह की अगुवाई में एक पुलिस की टीम गश्त पर सुनारिया चौक बाबैन जिला कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। तभी किसी खास मुखबर ने सूचना दी कि अंग्रेज सिंह उर्फ काला पुत्र देविंदर सिंह वासी पंजोकरा हाल इंदिरा कॉलोनी बाबैन जिला कुरुक्षेत्र जो नशा बेचने का काम करता है और अभी भी नशा लेकर बेचने की फिराक में है और घर से सुनारिया चौक की तरफ आएगा। तुरंत टीम हरकत में आई और सूचना के आधार पर मौके पर उस व्यक्ति को काबू किया गया। राजपत्रित अधिकारी रणधीर सिंह पुलिस अधीक्षक शाहबाद कुरुक्षेत्र को बुलाकर आरोपी की तलाशी ली जिसके पास मौके से 30 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद हुआ जिसके संबंध में थाना बाबैन कुरुक्षेत्र में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया और अब आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और जो सप्लायर के बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा व गहनता से पूछताछ भी की जाएगी। विस्तार से जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सुखपाल ने भी बताया कि जहां से भी यह नशा खरीद कर लाए थे और सप्लाई करना था उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई दे तो एनसीबी के टोल फ्री नंबर 9050891508 पर बेफिक्र होकर सूचना दे ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। आपकी दी हुई सूचना पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी एवं सूचना देने वाले का नाम पता भी किसी भी सूरत में उजागर नहीं किया जाएगा। नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत का जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे माननीय डीजीपी साहब श्री ओपी सिंह, हमारे माननीय एसपी साहब श्री अनिल कुमार यादव, माननीय एसपी साहब श्री शशांक कुमार सावन जी और डीएसपी साहब श्री जगबीर सिंह के नेतृत्व में हमारी टीम ने कल बबैन से एक लड़का जो कि अंग्रेज सन ऑफ देवेंद्र सिंह वासी पंजोकरा अम्बाड़ा रहने वाला है लेकिन वो टेम्परेरी अपने बबैन उसमें रह रहा है, कल उसको 30 ग्राम स्मैक चिट्टा के साथ हमें बरामद किया है, काबू किया है उसको और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद आज उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके और उसके बाद जो भी बात सामने आएगी उन अगले जो नशा तस्कर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मैलाबाद एरिया से भी कार्रवाई की थी, एक टेंटर पकड़ा, क्या मिला था सर उससे? जी सर वो ना एक हफ्ता पहले हमने पेवा 152 डीप से एक कैंटर जिसमें कि एक क्विंटल 25 किलो चूरा पोस्त था वो बरामद किया था और उनके भी जो आरोपी थे उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में भेजा जा रहा है और आगे भी जनता से यही अपील है कोई भी नशा तस्कर है वो कोई काम कर रहा है तो हमारे को सहयोग दें, हमें सूचित करें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र की टीम ने सुनारिया चौक बाबैन से 30 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ एक आरोपी किया गिरफ्तार। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह आईपीएस के नेतृत्व में एवं पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के दिशा निर्देशों पर समूचे हरियाणा में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान नशा मुक्त हरियाणा नशा मुक्त भारत के तहत कार्यवाही करते हुए हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यूनिट कुरुक्षेत्र ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 30 ग्राम
चिट्टा हेरोइन के साथ नशा तस्कर को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो उप पुलिस अधीक्षक जगबीर सिंह ने रविवार शाम को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यूनिट की एक टीम निरीक्षक सुखपाल सिंह की अगुवाई में एक पुलिस की टीम गश्त पर सुनारिया चौक बाबैन जिला कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। तभी किसी खास मुखबर ने सूचना दी कि अंग्रेज सिंह उर्फ काला पुत्र देविंदर सिंह वासी पंजोकरा हाल इंदिरा कॉलोनी बाबैन जिला कुरुक्षेत्र जो नशा बेचने का काम करता है और अभी भी नशा लेकर बेचने की फिराक में है और घर से सुनारिया चौक की तरफ आएगा। तुरंत टीम हरकत में आई और सूचना के आधार पर मौके पर उस व्यक्ति को काबू किया गया। राजपत्रित अधिकारी रणधीर सिंह पुलिस अधीक्षक शाहबाद कुरुक्षेत्र को बुलाकर आरोपी की तलाशी ली, जिसके पास मौके से 30 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद हुआ, जिसके संबंध में थाना बाबैन कुरुक्षेत्र में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया और अब आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और जो सप्लायर के बारे में पता लगाकर जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा व गहनता से पूछताछ भी की जाएगी। विस्तार से जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सुखपाल ने भी बताया कि जहां से भी यह नशा खरीद कर लाए थे और सप्लाई करना था उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई दे तो एनसीबी के टोल फ्री नंबर 9050891508 पर बेफिक्र होकर सूचना दे ताकि नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। आपकी दी हुई सूचना पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी एवं सूचना देने वाले का नाम पता भी किसी भी सूरत में उजागर नहीं किया जाएगा। नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत का जो अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे माननीय डीजीपी साहब श्री ओपी सिंह, हमारे माननीय एसपी साहब श्री अनिल कुमार यादव, माननीय एसपी साहब श्री शशांक कुमार सावन जी और डीएसपी साहब श्री जगबीर सिंह के नेतृत्व में हमारी टीम ने कल बबैन से एक लड़का जो कि अंग्रेज सन ऑफ देवेंद्र सिंह वासी पंजोकरा अम्बाड़ा रहने वाला है, लेकिन वो टेम्परेरी अपने बबैन उसमें रह रहा है, कल उसको 30 ग्राम स्मैक चिट्टा के साथ हमें बरामद किया है, काबू किया है उसको और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद आज उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके और उसके बाद जो भी बात सामने आएगी उन अगले जो नशा तस्कर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मैलावद एरिया से भी कार्रवाई की थी, एक टेंटर पकड़ा, क्या मिला था सर उसे? जी सर वो ना एक हफ्ता पहले हमने पेवा 152 डीप से एक कैंटर जिसमें कि एक क्विंटल 25 किलो चूरा पोस्त था वो बरामद किया था और उनके भी जो आरोपी थे उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करके उसको जेल में भेजा जा रहा है और आगे भी जनता से यही अपील है कोई भी नशा तस्कर है वो कोई काम कर रहा है तो हमारे को सहयोग दें, हमें सूचित करें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें।